ऐसा लगा है रंगीन दुनिया है जैसे। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ए डॉट ट्रेवल। मैं हूँ आसिफ अहमद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, आपका दोस्त आपका भाई एकदम ठीक ठाक है। तो आज मैं यहाँ पर आया हूँ पीपल्स स्क्वायर पर, और यहाँ मैं सेकंड टाइम आया हूँ। जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आया था तब मैंने अपना नया नया चैनल बनाया था, तब मैं यहाँ पर फ़र्स्ट टाइम आया था। तो मैंने डिटेल से इसकी एक वीडियो बनाई थी प्रॉपर तरीके से, तो उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप इसको ज़रूर देखिएगा। तो उस वक्त जब मैं यहाँ पर आया था फ़र्स्ट टाइम, तो ना यहाँ पर कोई फ़ूड स्ट्रीट थी और ना यहाँ पर बच्चों का जो है प्ले एरिया था, यहाँ पर कोई ऐसी ख़ास जो है चीज़ें नहीं थी। तो अब इसको अपग्रेड किया गया है बहुत अच्छे तरीके से, नई नई चीज़ें इसके अंदर शामिल की गई हैं, तो वो सब हम देखेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर एक फ़ूड स्ट्रीट भी यहाँ पर बनाई गई है छोटी सी, मेरे बैक साइड पर देख सकते हैं फ़ूड स्ट्रीट बनाई गई है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों का जो है प्ले एरिया भी बनाया गया है। वो सब हम यहाँ पर विज़िट करेंगे और आप लोगों को दिखाएँगे, और यहाँ पर कौन कौन से रेस्टोरेंट है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर खाने को मिल रही हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा, और यहाँ पर कुछ खाना भी खाएंगे और इसका टेस्ट कैसा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं पीछे और मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, तो ए डॉट ट्रेवल के साथ रहिएगा। तो चलते हैं, यहाँ से जो है फूड स्ट्रीट यहाँ से शुरू होती है, और काफ़ी अच्छे यहाँ पर होटल बनाए गए हैं। यहाँ पर बारबेक्यू है, और इसके अलावा चिकन कढ़ाई वगैरह भी है, फास्ट फूड है और बहुत कुछ है। तो आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पर कौन कौन से रेस्टोरेंट हैं। ये यहाँ पर बन रही है चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, और ये साजिद रेस्टोरेंट के नाम से है, बहुत खूबसूरत यहाँ पर बना हुआ है। ये है यहाँ पर चाय पीने का एरिया है, चाय वगैरह यहाँ पर मिलेगी आपको, और कावा चाय के नाम से यहाँ पर एक छोटी सी कैंटीन है। ये मेरे बैक साइड पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा यहाँ पर रेस्टोरेंट का एक इंतज़ाम किया गया है, और बैठने के लिए जो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर इंतज़ाम है, चेयर्स वगैरह लगी हुई है यहाँ पर, और बहुत खूबसूरत ये जगह है, बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर सब कुछ अरेंजमेंट की गई है एक दुबई तर्ज का, बहुत ज़बरदस्त। ये एक और रेस्टोरेंट है हॉट एंड रोल के नाम से, यहाँ पर फास्ट फूड मिल जाएगा, रोल वगैरह भी है, बारबेक्यू भी है। ये देख सकते हैं आप, बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी है। पीके समोसा चाट, और ये शवारमा भी यहाँ पर मिल जाएगा। रेस्टोरेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा बन चुके हैं, ये जूसी है बार, और यहाँ पर ये कश्मीर ग्रिल बारबेक्यू वगैरह भी यहाँ पर मिल जाएगा, कढ़ाई वगैरह भी है, और ये माई टी के नाम से चाय का जो है कैंटीन है यहाँ पर, ये बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर बैठने का इंतज़ाम है, मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। अच्छा, आखिर में आपको बिरयानी भी मिल जाएगी, पुलाव भी मिलेगा यहाँ पर कश्मीर ग्रिल बार पर। क्या हाल है, खैरियत, कैसा है यहाँ का खाना वगैरह? अरे जबरदस्त यार, हमको किसी ने तारीफ की, हम तो बड़ी दूर से आए। अच्छा, कहाँ से आए आप? मतलब बताया कि आप वहाँ जाए हॉट एंड रोल पे। अच्छा, या आप ये खाना खाएंगे ना सबका भूल जाएंगे। कहाँ से आए आप? ये हम लोग पीछे से बंस रोड से, बहुत दूर है हमारा रास्ता। अच्छा, पैदल गए, पैदल है। अच्छा, मैं तो नॉर्थ कराची से आया हूँ, एक घंटे का सफर करके। हम लोग तो इधर ही आते हैं, तारीफ सुनिए। अच्छा, हमने बोला पिज्ज़ा जो है इनका बड़ा ज़बरदस्त है, तो हमने बोला मलाई बूटी वाला पिज़्ज़ा बना दें। चलो ठीक है, यहाँ पर अभी मैं भी ट्राई करूँगा कैसा है इनका पिज़्ज़ा वगैरह, और जिंगर बर्गर वगैरह भी ट्राई करेंगे। ठीक है भाई, यहाँ पर ये जो है ना पीपल्स स्क्वायर, ये जब से बना ना ऐसा लगा है रंगीन दुनिया है जैसे। जी मैं भी देख रहा हूँ, बहुत बहुत ज़बरदस्त जगह है, और मैं भी सेकेंड टाइम यहाँ पर आया हूँ, और काफ़ी एक दुबई तर्ज का बनाया हुआ है, बेहतरीन जगह है ये, साफ़ सुथरी जगह है और अच्छा इन्वायरमेंट है। ठीक है, इसमें क्रेडिट जो है ना ज़्यादातर यहाँ का हमारा सदर है फराज, बंस रोड टूरिस्ट का सदर है फराज, उनको जाता है, थोड़ा सा उनसे गिला है लोगों को कि वो जो पार्किंग की जगह है ना, वो मतलब आने जाने का रास्ता थोड़ा सा ख़राब है, ये उन्हीं की मेहनत है फराज की। जी बिल्कुल, है ना, पूरी ये समझ ले पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, और जब कोई बाहर से आता है, अभी इंडिया से मेहमान आए थे हमारे,
वो भी बड़े खुश हुए देख के, कहने लगे यार बड़ा जबरदस्त बनाया। तो मतलब लोग जो है ना यहाँ आकर ये समझे रिलैक्स हो जाते हैं, चले बैठे ना रिलैक्स है। ठीक है ठीक है, ये बच्चों का प्ले एरिया है, यहाँ पर टोकन वगैरह मिलते हैं और बहुत खूबसूरत यहाँ पे एक एनवायरनमेंट है, बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए है, ये छोटे बच्चों के लिए झूले लगाए गए। रेस्टोरेंट है यहाँ पर हम बैठे हुए हैं और यहाँ पर मैंने मंगवाया जिंगर बर्गर और इसके अलावा एक रोल भी है, चिकन रोल इसमें और कोल्ड ड्रिंक भी है। ये 360 रुपए की डील है। तो अब देखते हैं कि ये इसका यहाँ का खाना कैसा है। रेस्टोरेंट तो बहुत अच्छे बने हुए हैं, खूबसूरत बने हुए हैं, लेकिन खाना कैसा है ये भी देखते हैं। ये खाना आ गया हमारा, जिंगर बर्गर है और चिकन रोल है, खा के देखते हैं कि कैसा है यहाँ पर इसका टेस्ट कैसा है। देखने में तो इतना ख़ास नहीं लग रहा और एक नॉर्मल सा बर्गर है, 360 रुपए की ये डील है। इसमें कोल्ड ड्रिंक है, जिंगर है और चिकन रोल है। ठीक है, तो खा के देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है, ये भी बताऊंगा मैं आपको। चिकन रोल इतना अच्छा नहीं है, बस ठीक है। इसका जो पराठा है वो बहुत हार्ड है, सॉफ्ट नहीं है। अच्छा खाना तो आपको फूड स्ट्रीट में जैसे बंस रोड है हुसैनाबाद पे ही आपको अच्छा खाना मिलेगा। इतना मेयार इसका इतना अच्छा नहीं है। अभी जिंगर रोल खाते हैं, वो भी देखते हैं कैसा है। जिंगर रोल काफ़ी बेहतर है रोल से, जिंगर बर्गर जो है अच्छा है, इसका टेस्ट उससे बेहतर है और काफ़ी सॉफ्ट भी है। चिकन भी इसका ठीक है। तो खाना हम लोगों ने खा लिया है और खाना इतना ख़ास नहीं था। इसके अलावा यहाँ पर बारबेक्यू भी है, चिकन कढ़ाई वगैरह भी है, वो आप यहाँ का ट्राई कर सकते हैं। और बहुत अच्छी जगह है ये, फैमिली के लिए बहुत अच्छी जगह है और ख़ास तौर पर जो बच्चों के लिए बहुत अच्छी ये जगह है। तो यहाँ पर जब भी आप आएँ, जब भी आपको मौका मिले आप यहाँ पर ज़रूर आएँ, पीपल स्क्वायर पर। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत पुरसकून जगह है ये। इसके अलावा यहाँ जो पार्किंग का एरिया है वहाँ पर 30 रुपीज़ बाइक के चार्जेज़ हैं और कार के 80 रुपये चार्जेज़ हैं। और एंट्री टिकट अंदर जो है पीपल स्क्वायर की वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।